फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दीरा का तड़का। फ्रेंड्स, पार्टीज और गेट टुगेदर के लिए एक स्वीट डेजर्ट बनाते हैं जो सबका ही फेवरेट है, चॉकलेट वॉलनट फज। चॉकलेट वॉलनट फज के लिए मेन इंग्रेडिएंट है सादा मावा। मावे से क्या होगा कि हमें बाहर जैसा दानेदार टेस्ट आएगा। बहुत ही सिंपल स्टेप्स है। मावे को हमें बटर में रोस्ट करना है, कंडेंस मिल्क, चॉकलेट चंक्स, वेनिला एसेंस, वो सबको भी ऐड करना है। जैसे ही मिक्सचर पैन छोड़ेगा, फज रेडी हो जाएगा। चलो टेम्पटिंग फज जल्दी से बनाते हैं। चॉकलेट वॉलनट फज के लिए हमें एक कढ़ाई लेनी है, उसमें 3 टेबलस्पून बटर डालना है और 1 कप सादा मावा ऐड करना है। सादा मावा मतलब बिना शुगर का। दोनों को अच्छी तरह से रोस्ट करना है जब तक एक दूसरे के साथ इनकॉर्पोरेट ना हो जाए। आधा कप कंडेंस मिल्क ऐड करना है और उसे भी 1 मिनट के लिए स्टर करना है। ध्यान रखना है कि गैस लो हो, नहीं तो मावा जल जाएगा। जैसे ही दोनों मिक्स हो जाते हैं, 30 सेकंड्स के लिए हमें चॉकलेट के चंक्स, जो मैंने डार्क चॉकलेट्स यूज़ किए हैं कंपाउंड, उसके पीसेस डालने हैं और उसे भी स्टर करना है। वन टीस्पून वेनिला एसेंस भी ऐड करना है और सबको अच्छी तरह से मिक्स करना है। वॉलनट फज कैसे रेडी हो जाएगा, ये हमें कैसे पता चलेगा? जब फज पैन छोड़ने की तैयारी करे तो हमें समझना है फज रेडी हो गया है। आप देख सकते हैं कितना अच्छा ग्लेज आया है और फज शाइन कर रहा है। 15 मिनट्स में ही वॉलनट फज रेडी हो चुका है। उसे सर्विंग प्लेट पे निकालना है और सर्विंग प्लेट को ग्रीस करना है। गार्निशिंग के लिए चॉप वॉलनट्स और कोको पाउडर स्प्रिंकल किया है। अगर आपको वैसे ही सॉफ्ट खाना है तो आप तुरंत खा सकते हैं ठंडा करके। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं चॉकलेट वॉलनट फज कितनी जल्दी से तैयार हो गया। बहुत ही परफेक्ट टेक्सचर आया है और टेस्ट में तो मैं डेफिनेटली बोल सकती हूँ बहुत ही डेलिशियस है। मैंने सादा मावा यूज किया है, उसे बटर में अच्छी तरह से रोस्ट कीजिए और कंटिन्यू स्टर कीजिए। आप इसे ऐसे ही सर्व कर सकते हैं या अगर आपको पीसेस चाहिए तो फ्रिज में 2 से 3 घंटे के लिए इसे सेट करने के लिए रख सकते हैं। और ये इंस्टेंट रेसिपी आप ज़रूर से ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट्स में बताइए आपको ये रेसिपी कैसी लगी। अभी हमें चॉकलेट वॉलनट फज लेने के लिए लोनावाला या महाबलेश्वर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप घर में ही ऐसी रेसिपी बना सकते हैं। सीखने के लिए मेरी वीडियोस को लाइक और शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।